नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाक ने जारी किया जासूस का वीडियो, भारत ने नकारा। भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय वाक युद्ध शुरू हो गया जब पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी कुलभूषण यादव का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने देश के इशारे पर बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का कथित इकबालिया बयान दिया है। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि हो सकता है कि उन्हें ईरान से अपहृत कर लिया गया हो। भारत ने साथ ही पाकिस्तान से भारतीय नागरिक को दूतावास तक पहुंच मुहैया कराने की मांग की है। यादव को हाल ही में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय नौसेना का अधिकारी बताया है। पश्चिम बंगाल में फिर चलेगा ममता का जादू। एक न्यूज चैनल द्वारा चुनाव पूर्व कराए गए एक सर्वेक्षण में दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का सत्ता में लौटना तय है और उसे 2011 की तुलना में अधिक मत मिलने तथा 178 सीटों पर जीत की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार तृणमूल को मुख्य चुनौती कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन से मिलने की संभावना है, जिसके करीब 110 सीट जीतने की संभावना है। प्रदेश विधानसभा में 295 सीटें हैं। सर्वेक्षण में संभावना जताई गई है कि राज्य में भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभरेगी और उसे करीब 5% वोट मिलेंगे तथा वह सिर्फ एक ही सीट जीतेगी। विमान में त्रिशूल ले जाने पर राधे मां के खिलाफ मामला। मुंबई पुलिस ने पिछले वर्ष औरंगाबाद से मुंबई आने वाले एक विमान में त्रिशूल लेकर यात्रा करने के एक मामले में राधे मां के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ हवाई अड्डे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता असद पटेल ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2015 में एक विमान में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां त्रिशूल लेकर गई थी।